नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हमारे साथ है तीन मोटरसाइकिल और तीनों ही मतलब डेली कम्यूटर सेगमेंट प्लस एक जो स्पोर्टियर अंदाज होता है उसके लिए बहुत ज्यादा चर्चित हैं। एक तो है भाई पल्सर की न्यू लॉन्च N125 जो अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक तरफ है राइडर की 125 यानी TBS राइडर 125, ये मार्केट में ऑलरेडी दबदबा बना के रखा है। दूसरी तरफ है स्ट्रीम 125R, ये जो बाइक है जब से आई है तब से राइडर का दबदबा थोड़ा सा कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इन कंपटीशन में कौन बाजी मारेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं वजन की, तो देखो जो राइडर 125 है इसका कर्ब वेट है 123 kg का, कहीं ना कहीं ज्यादा लाइट वेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और वहीं पे अगर देखते हैं ये N125 125 kg का है तो यहाँ भी आपको वजन काफी ज्यादा कम मिल रहा है। ये वाला जो मोटरसाइकिल है इतना हल्का होने के बावजूद 136 kg का है, यानी वेट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। अब पावर टू वेट रेशियो भी मैं आपको बता दूं, तीनों जो मोटरसाइकिल हैं 125cc सेगमेंट की बाइक हैं। इसका जो पावर है 11.2 PS का है और 10.5 Nm का टॉर्क मिलता है इस स्ट्रीम 125R में। इसकी जो पावर है ये 12 PS की मिलती है और जो टॉर्क आपको मिलता है 11 Nm का मिलता है, तो यहाँ पे पल्सर का जो पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। राइडर 125 में आपको 11.5 PS की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क मिलता है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग अगर पावर्स डिलीवर्ड की बात करें तो आपको N125 में थोड़ा सा पावर ज्यादा मिलता है, लेकिन लुक, पावर, परफॉर्मेंस, इंजन और जितने भी चीजें हैं फीचर्स वगैरह में कौन सी बेस्ट साबित होगी उसका भी तो बात करना है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रीम 125R के फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं, देखो क्या मिलता है। फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप, जो लुक है बहुत ज्यादा इनहेंस है, रोबोटिक लुक दिया गया है, देखने में काफी ज्यादा तगड़ा है। उसके बाद यहाँ पे 240 mm की डिस्क मिलती है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव चीज है वह है इसमें ABS, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल चीजें यहाँ पे मिल रही है। 90 सेक्शन के टायर हैं और 17 इंच के यहाँ पे आपको अलाइबल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए ये N125 फ्रंट से देखोगे काफी ज्यादा अग्रेसिव है, LED हेडलाइट का सेटअप है लेकिन प्रोजेक्टर नहीं है, और यहाँ पे 240 mm की डिस्क है, राउंड शेप में ही दिया गया है, और यहाँ पे मिलता है 80 सेक्शन के टायर, 17 इंच के व्हील्स, तो ये चीजें आपको मिल रही है। ये सस्पेंशन थोड़ा सा कवरअप है इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए। अब कितना पसंद आता है ऑडियंस को वो तो वीडियो देखने के बाद आप बता ही दोगे। इसकी लुक की बात करें, जैसे इग्निशन को ऑन करोगे ये DRL जल जाते हैं, इसके बारे में बताने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर हैलोजन में है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका जो टायर है ये मिल रहा है आपको 80 सेक्शन के 17 इंच व्हील्स के साथ में। यहाँ पे पेडल डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, 240 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे मिल रहा है। अब तीनों चीजों में अगर देखा जाए फ्रंट लुक में कौन सी ज्यादा बेटर साबित होती है, उसके लिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हजार्ड लाइट का सिस्टम है और ये इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, प्लस LED वाले इंडिकेटर मिलते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। तो कहने का मतलब यह है या तो इन तीनों बाइक में अगर आप देखोगे तो फ्रंट लुक में जो बाजी मारता है स्ट्रीम और राइडर, N125 का कहीं से कोई मुकाबला यहाँ पे नहीं है। अगर साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो देखो साइड प्रोफाइल में स्ट्रीम 125R की बात करें, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा कमजोर है, केवल लुक ही यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है। स्ट्रीम का 3D लोगो है, 125R की बैजिंग है, किक स्टार्ट है, उसके बाद एग्जॉस्ट का सिस्टम है, आगे मैं आवाज सुना दूंगा, और यहाँ पे देखो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ठीक है। माइलेज आपको मिलता है लगभग 60 KMPL का, और यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें आपको सारी चीजें बताएगा, गियर इंडिकेशन, पोजीशन वगैरह सब कुछ बताएगा, टाइमिंग बताएगा, और यहाँ पे हजार्ड का बटन है, स्विच की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे इंजन किल स्विच है और यहाँ पे आपको चार्जर सपोर्ट करता है। ये हो गई बात स्ट्रीम 125R की। अब बात करते हैं N125 की, इसका अगर साइड प्रोफाइल देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की गई है, पल्सर का 3D लोगो है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पल्सर का स्टिकर्स, उसके बाद टॉप से डिजाइन कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे चार्जर सपोर्ट करता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो व्हाइट और ब्लैक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको कनेक्टिविटी वाले फीचर्स तो मिलते हैं, कॉल SMS अलर्ट, और यहाँ पे कनेक्टिविटी वाले को फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए बटन, यहाँ पे ये इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, ऑटो स्टार्ट का स्विच, जैसे कि
हीरो की बाइकों में, टीवीएस की बाइकों में और भी आता है। इसके बाद पावर स्टार्ट का स्विच और पास वगैरह, ये सामने देख लो आप कितनी विजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिल रही है और लाइटिंग का सेटअप कुछ ऐसा दिया गया है। अगर राइडर 125 की बात करें तो राइडर 125 में क्या है ना भाई, राइडर 125 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर का है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 9.5 लीटर का। माइलेज लगभग आपको मिल जाएगी एन 125 में लगभग माइलेज 50 के एमपीएल, 45 के एमपीएल की, ये तो 55 के एमपीएल की माइलेज प्रोवाइड करता है, 50 से 55, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और चार्जर यहाँ पे सपोर्ट करता है, ये देखो, ठीक है ना। डिस्प्ले जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पे कलरफुल डिस्प्ले आएगा जिसमें आपको कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी मिलेंगे, ओके। और इसमें कई सारे वेरिएंट मिलता है और यहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन पोजीशन भी बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे इको पावर, दो मोड मिलते हैं, पास वगैरह मिलता है और मतलब चीजें अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ना कहीं लुक वाइज अगर आप डिफरेंस देखते हो तो लुक वाइज में कौन सी बाइक आपको अच्छी लगी किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे पूरी तरीके से पता है कि आपको स्ट्रीम, राइडर और ये ज्यादा अच्छी लगी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा कम चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। थोड़ा सा रियर प्रोफाइल से देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। स्टीम 125 बार, जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करोगे इंडिकेटर जल जाएंगे, लाइट जल जाएगी, ये देखो ये जो है ना ये स्प्लिट टाइप में दिए गए हैं टायर, अगर जैसा ऑप्शन है 120 सेक्शन का टायर है 17 इंच व्हील्स के साथ में, तो ये चीज अच्छी है। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड जैसा जो ऑप्शन मिल जाता है लेकिन ये फाइबर के साथ में मिलता है। इसके इग्निशन को ऑन करते ही नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं जल रहा है, इंडिकेटर हैलोजन के साथ है, नॉन फ्लेक्सिबल है, लाइट मिलती है, ये टायर अगर जैसा ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो टायर है ना ये 110 सेक्शन का दिया गया है और ये 17 इंच के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 130 mm का ड्रम ब्रेक, यहाँ पे 130 mm का ड्रम ब्रेक। और राइडर की बात करें तो राइडर में क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे आपको राइडर में 100 सेक्शन के टायर हैं और यहाँ पे 17 इंच के व्हील्स हैं, जहाँ पे स्ट्रीम में 120 सेक्शन का टायर है यहाँ पे 100 सेक्शन का टायर है, 130 mm का ड्रम ब्रेक है, साड़ी गार्ड है। और जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे ही आपने इग्निशन को ऑन किया तो इसके पीछे की लाइट जल जाती है, यहाँ लाइट मिलती है, लेकिन इसमें टायर अगर जैसा ऑप्शन नहीं है, इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है आप देख सकते हो, और यहाँ पे अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है पल्सर N125 में। तो कहीं ना कहीं अगर बाइक के हिसाब से देखा जाए तो सीधा सा फंडा है कि आपको एग्जॉस्ट वाली बाइक चाहिए, बहुत ज्यादा बेटर बाइक चाहिए अगर 125cc डेली कम्यूटर सेगमेंट की बात करें। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जैसे कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये मिलता है 180 mm का, ठीक है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm का मिलता है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm का मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस वाले में ज्यादा है ना, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको प्रोवाइड किया कंपनी ने, लेकिन सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे कि प्राइस, ABS होने के बावजूद, यानी ABS भी है, इसका एक्सोरूम जाता है 99,000, ऑन रोड मिलेगी 1,17,000, यानी 1,17,000 रुपए। इसमें कुछ भी ज्यादा फीचर्स नहीं है, एक्सोरूम कॉस्ट होती है 98,000, ऑन रोड जाएगी लगभग 1,18,000 रुपए, 1,18,000। राइडर 97,800 एक्सोरूम प्राइस, ऑन रोड जाएगी 1,18,000, और इसमें वेरियंट भी भर भर के मिलते हैं भाई, है ना। तो 1,18,000 रुपए अगर आप खर्च करोगे तो बाइक कौन सी आपको लेनी है उसके लिए तो आवाज भी सुन लो तभी डिसाइड करना, ऐसे नहीं। देखो स्टीम 125 R की साउंड कैसी है, साउंड कुछ ऐसी है स्टीम 125 R की। अब आपको सुनाता हूं मैं N125 का साउंड, काफी ज्यादा साइलेंट बेस की स्टार्ट है, ये साउंड कुछ ऐसा प्रोवाइड आपको करेगी। अब बात करते हैं राइडर 125 का साउंड की, इसका भी मैं आपको सुना दूं, तो देखो यहां पे अगर साउंड की बात कर रहे हैं ना तो राइडर 125 का जो साउंड है उसमें थंब ज्यादा है, बेस ज्यादा है, जब आप थ्रॉटल देते हो तो आपको पता लगता है कुछ फीलिंग्स आती है, लेकिन राइडर में आपको वो फीलिंग्स जो आ रही है वो आपको इन दोनों बाइकों में कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और जो इसका लुक बनाया है ना N125 का, ये इतनी ज्यादा बेटर लुक नहीं है, कस्टमर मैंने शोरूम में अवेलेबल था, कस्टमर आ रहे हैं और इस बाइक को अगर देख रहे हैं तो वो कहते हैं पल्सर ना जिम करने गई थी और जिम करने के बाद थोड़ा सा दुबली पतली हो गई है। अब बताइए जब कस्टमर की सोच ऐसी है कि पल्सर ने जिम कर लिया भाई थोड़ा सा दुबली पतली हो गई है,
तो कहीं ना कहीं जो उनको पल्सर वाली फीलिंग चाहिए, थोड़ा सा बल्कि हैवी स्पोर्टी, वो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं किया है। और अगर इनको N125 बाइक बनानी थी तो कंपैरिजन दिखाने का मतलब ये है कि अगर राइडर स्ट्रीम का कंपैरिजन किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन इनको ऑलरेडी पता था बजाज को कि मार्केट में राइडर जैसी बाइक है, मार्केट में स्ट्रीम 125 आर जैसी बाइक है, फिर ऐसी बाइक, ऐसी मतलब बाइक ले आए जिसमें कोई ना फीचर्स दिया ना कुछ है, तो लोग कैसे पसंद करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।